निकट की वजह से ये फैसला लिया जा रहा है, जबकि वैक्सीन की किल्लत हर जगह देखने को मिल रही है। चित्रा जी आप मुझे खत्म करने दीजिए, मैं उसी पे आ रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए देश में जितना प्रोडक्शन है, हमने ये नहीं कहा कि एक तारीख को शुरू किया तो एक दो तारीख को खत्म कर रहे हैं। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे वैक्सीनेशन होगा, शेड्यूलिंग होगी, आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं कि आपको आज डेट मिल गया जाके कि आज आप वैक्सीनेशन कराइए। लोग भीड़ लगा रहे हैं उसको स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो। अरे चित्रा जी, अरे सुन लीजिए, आपको जो डेट मिलेगा शेड्यूलिंग के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद, उस दिन नहीं नहीं आप उसके वहां जाके आप दीजिए, जहां पर आपको मिल रहा है टाइम और स्लॉट मिल रहा है उस पर दीजिए। एक तारीख से कहा गया 18 प्लस वालों को वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, लोगों ने 28-29 तारीख को ही अपना फॉर्म भरना शुरू कर दिया ऑनलाइन। आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जफर इस्लाम साहब, बहुत जिम्मेदारी से मैं बोल रही हूँ कि अभी तक उनका नंबर नहीं आया है। किस तरह की बयान आप कर रहे हैं? हमें दुबे साहब जल्दी से आप अपनी बात करिए, हमारे साथ डॉक्टर भी जुड़ गए हैं। चित्रा जी, चित्रा जी, आपको यहाँ करेक्ट करना पड़ेगा। बोल दीजिए, करेक्ट कीजिए, करेक्ट कीजिए। आपको देखिए, आपको बताना चाहते हैं कि जिसका नंबर है 41 लाख लोगों को, 18 से 44 लोग उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है, आखिर बिना नंबर आए हो गया उनका? तो लोगों को दुख होगा। और आपने अभय जी के साथ कहा ना कि ये बेचैनी क्यों है देश में, जो बेचैनी है उसको दूर कीजिए ना जफर साहब। इतनी बड़ी पार्टी, इतनी ताकतवर सरकार और सत्ताचारी और बेबसी देखने को मिल रही है। ठीक है सर, आप इसको प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। गलत बयान से काम नहीं लूंगा, लेकिन आपको सच्चाई बताने का काम करूंगा। ये कष्ट आप मुझे करने दीजिए, कम से कम आप सुनने का कष्ट कीजिए। मैं ये सब कह रहा हूँ, 62 करोड़, अरे सुनिए, उस श्रेणी में आज चुप तो रहो, 40 लाख की बात कर राजनीति मत करो। घर रोड में सेवा है तो संगठन है, देखो हम लोग कैसे लोगों की सेवा करते हैं। उनको बताया जाता है कि वैक्सीन खत्म हो गई है, बेडरूम में बैठकर राजनीति बंद करो, बंद करो ये बेडरूम की राजनीति। क्या बात करते हैं आप, लेटर लिखना लोगों को गुमराह करना, आपको हमारे राष्ट्रीय ने कैसा लेटर लिखा, हर चीज आपको एक्सपोज किया। आप आज भी राजनीति करना चाहते हैं? आपको सोनिया जी का लेटर का जाकर पढ़िए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अरे एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों को समझ में आ पाएगा। जफर साहब अपनी बात खत्म कीजिए। ठीक है सर, हो गई, नहीं नहीं जफर साहब, ये सर एक सुनिए ना, ऑपोजिशन पार्टी का यही काम है कि वो सवाल खड़े करे, वो सवाल खड़े करे। आप लोगों को जो सलाह दी जाती है जफर साहब का, हमारा जा रहा है उसको 12-14 पार्टियां मिलकर आप लोगों को सलाह देती हैं, आप उसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। अरे दूसरों को भी राय लेंगे कि नहीं लेंगे? देश इस वक्त संकट में है तो ठीक है, अपनी बात खत्म कीजिए। अभय दुबे जी से मैं कमेंट लेती हूँ, दो डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद है, थोड़ा सा संवेदनशीलता का हम परिचय देंगे प्लीज। देखिए मैं कोई इसमें, हम ये नहीं कह रहे कि ऑपोजिशन पार्टीज का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सुझाव दें, और हम रिसेप्टिवनेस हमारे सरकार में है। लेकिन अगर मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया साथ, एक साथ खड़ी है इस महामारी में लड़ाई के लिए, देश के साथ खड़ी है, देश की जनता साथ पर सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन कौन अलग थलग खड़ा है ये राजनीतिक पार्टी जो इस मौके पर भी राजनीति करना चाहते हैं? मुझे आप सलाह दीजिए देश को कैसे संकट से उभारे। आप लोगों ने तो वो स्थिति नहीं देखने को मिल रही है ना विपक्ष को साथ में लेकर चलने की? नहीं नहीं अभय दुबे जी, एक बात बताइए ना, ये हमेशा विपक्ष का काम कमी निकालने का ही है क्या, कि हर चीज में कमी निकालेंगे? शुरुआत हम सब ने देखा किस तरह से वैक्सीनेशन की जब शुरुआत हुई उस समय कमी निकालने लगे विपक्षी दल कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। अब लोगों के भीतर से अविश्वास हटा, विश्वास हटा, और इस वजह से ये स्थिति देखने को मिल रही है। हर चीज में कमी निकालना महामारी के इस वक्त में भी जरूरी है क्या अभय दुबे? चित्रा जी अब चुप कराइए, देश के विश्वास में विश का वास घोल दिया इन्होंने। ये साथ आने की बात करते हैं, अरे प्रधानमंत्री जी आप देश के साथ तो खड़े होइए,
आप देश के साथ नहीं खड़े दुनिया साथ खड़ी है, नहीं तो इतिहास हमको क्षमा नहीं करेगा। चित्रा जी अब चुप कराइए इस आदमी को, इसको कहिए कि चुप हो जाए। ठीक है जफर साहब, एक प्लीज प्लीज जफर साहब, कांग्रेस पार्टी देश के साथ नहीं खड़ी है। देश जानना चाहता है, ठीक है, लेटर पढ़ना चाहिए, देश जानना चाहता है। प्रधानमंत्री जी जो आपने गलतियां की है, क्योंकि पूरी सत्ता को आपने चुनाव में प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे। जफर साहब उनकी बात पूरी हो जाए प्लीज, आप लोग कम से कम डिबेट में एक मर्यादा का ध्यान रखिए प्लीज। चित्रा जी।